नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। हाईवे पर ट्रक लूट करने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी ट्रकों को निशाना बनाने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सुल्तानपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी अभियुक्त पड़ोसी जनपद के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने आधा दर्जन की लूट घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 इनाम देने की घोषणा की। रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जय सिंहपुर थाना क्षेत्र के डंडवा चौराहे के पास टायर चोरी होने के मामले के खुलासे में जुटी स्वाट टीम प्रभारी अजय यादव ने प्रतापगढ़ निवासी ताज अली पुत्र लियाकत अली, गुलशाद पुत्र इद्रिस और परवेज पुत्र मुश्ताक को गिरफ्तार कर उनके पास से एक चोरी की ट्रक, 22 टायर, 14 बैटरी, 4 ट्रक वाला रिम और 41,000 रुपये व 3 मोबाइल बरामद किए। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों से पूछताछ में बताया कि जौनपुर रशागंज से ट्रक चोरी की थी और एक ही नंबर प्लेट पर घटना को अंजाम देते थे। अलग अलग जिलों में चोरी किए कर सस्ते दामों में बेच देते थे और एसपी ने बताया कि ये पेशेवर ट्रक ड्राइवर थे। टीवी इंडिया 18 से सुल्तानपुर से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। 11/12 जनवरी की रात में थाना जयसिंहपुर में एक ट्रक के टायर खोल लिए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, इस केस को विकसित किया गया तो प्रतापगढ़ का एक गैंग पकड़ में आया है जो आसपास के जनपदों और सुल्तानपुर में इसने तमाम घटनाएं की हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी बरामदगी हुई है। एक चोरी का ट्रक, 22 टायर, 16 बैटरियाँ, 14 बैटरियाँ और रिम आदि सामान बरामद हुआ है। ये गैंग ऑर्गेनाइज तरीके से पेट्रोल पंपों या ढाबों पर खड़े हुए ट्रक को ओवर पावर करता है और फिर दूर ले जाकर उसके टायर खोल लेता है और टायर की बिक्री अपने आसपास के परिचित ड्राइवरों के ट्रक के ड्राइवरों के बीच कर देता है। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है जिसके खिलाफ बहुत से मुकदमे पंजीकृत हैं और बाकी और पूछताछ कर पंजीकृत जहाँ मुकदमे उसे कनेक्ट किया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीम को 10,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता है।